नमस्कार साथियों, एक बार फिर से वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी कुछ क्लासेस बहुत पहले हुई थी, जब 2020 के एग्ज़ाम का यूपीपीसीएस का मुख्य परीक्षा था, आरओएआरओ का मुख्य परीक्षा था और खंड शिक्षा अधिकारी का, इन तीनों एग्ज़ाम के पहले मैंने ऐसे के 9 से 10 वीडियो पढ़ाए थे, जो वीडियो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं और वो एग्ज़ाम के एक महीने के पहले के थे। उस 9 ऐसे में से तीनों एग्ज़ाम्स में, उस 9 निबंध में सारे के सारे पूछे गए हैं और फिर लोगों की क्वेरीज आई कि सर निबंध कम से कम मुझे पढ़ा दीजिए, अब व्यस्तता के चक्कर में क्लास नहीं लेता हूँ और थोड़ा सा किताबें आती हैं मेरी उस पर मैं जोर देने का प्रयास करना, जैसे ईपीएफओ की किताब आई, आरओएआरओ की आई, इन्वायरमेंट की आई, तो इन सब चीज़ों पर जोर ज़्यादा हो गया। लेकिन जब लोगों की डिमांड्स बढ़ी कि नहीं सर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए, मेरा ऐसे में अच्छा स्कोर आ जाए, तो हमने कहा ठीक है, उसी की तरह 9 से 10 टॉपिक हम आपको फिर पढ़ाने का प्रयास करेंगे ऐसे का, कि उसके बाहर जो आरओएआरओ का परीक्षा होना है या उसके पहले जो यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा होनी है उसमें क्या कहते हैं, कम से कम हमारे पढ़ाए सारे के सारे निबंध आ जाए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको पढ़ाने का एक तरीका बताएं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको, अगर मैं एग्रीकल्चर पे कोई ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्रीकल्चर पे ना, मतलब अगर कृषि पे आपको कोई निबंध बता रहा हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि कृषि सब्जेक्ट को या कृषि टॉपिक को मैं इतने सेगमेंट में तोड़ दूँ कि आपके प्रति कोई समस्या एग्ज़ाम में आए ही ना। क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल पूछ लेगा कि कृषि, हो सकता है परीक्षा में इस समय सबसे बड़ा इशू रहा है इस सरकार के लिए या फिर क्या कहते हैं इस सत्र के लिए, कृषि कानून, ठीक है, कृषि कानून रहा है, या फिर कृषि कानून से फिर बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, वो कृषि कानून बिल को ही बारे में पूछ ले या इसके बारे में ना पूछ के किसानों की समस्या पे पूछ ले, ठीक है, किसानों की समस्या पे पूछ ले, या फिर इसी को क्या कहते हैं इससे जोड़ दे कि किसानों की आत्महत्या से पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, किसानों की आत्महत्या, या इन सब को ना दे के एक नया टॉपिक बना दे कि वर्तमान दशा में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों की दशा क्या है, पहले से लेके अब तक के बारे में किसानों में क्या क्या सुधार हुआ। तो एक ओवरऑल 20 से 25 मिनट की क्लास में, 20 to 25 मिनट की क्लास में, एक लेक्चर में ये सारे सेगमेंट आपके मैं क्लियर करा दूंगा कि वो कितना भी होशियार बने एग्जामिनर, कैसे भी प्रश्न पूछे, लेकिन आप इसको टैकल कर लोगे आसानी से। इस वीडियो के थंबनेल पे वो सारे 10 टॉपिक हैं, जैसे 5G स्पेक्ट्रम है, करंट में आत्मनिर्भर भारत है, और उसके बाद क्या कहते हैं भारत, अब भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये सब करंट इशूज के अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक्स को हमें इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि वादा करता हूँ कि 9 से 10 निबंध के बाहर कोई निबंध नहीं जाएगा। तो आप लोग अब कल से मेरे प्रॉपर क्लास को देखते रहिए, क्या कहते हैं हमारे 9-10 दिन के क्लास में सारे 9 के 10 निबंध क्लियर हो जाएंगे। और इवन आपको लगता है कि मुख्य परीक्षा में कोई चीज़ हमसे पूछने लायक है, आपको अगर लगेगा कि निबंध मुझे पूछना है, पत्र लेखन मुझे पूछना है, या जीएस का कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम क्या कहते हैं पूरी तरह उस टॉपिक को क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।